एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है आपकी और आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है। ये आज की करंट एनर्जीज होंगी, ठीक है, कलेक्टिव प्लस टाइमलेस रीडिंग होगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, सबसे पहले मुझे उनकी एनर्जीज ट्रू फीलिंग्स बताएं, इनके पार्टनर को लेकर क्या है इनकी। The lookout, balance, king of forces, eight of scrolls, seven of scrolls, three of scrolls, akashic, uriel and spins, phoenix spins, okay. Will, wisdom, mind, reflection and bottom of deck, three of keys. Okay, wait, huh? एक second. So सबसे पहले मैं आपकी फीलिंग्स की जो बात करने जा रही हूं वो ये है, मुझे कहीं ना कहीं पहले साइंस में बता देती हूँ आप लोगों को जो मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। वैसे ऑल साइन रीडिंग्स है, पर जो ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो है लिब्रा, एक्यूरस, जेमिनी। एक्यूरस की एनर्जी कुंभ राशि कुछ ज्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पर। यहाँ पर मुझे वर्गो, पाइसिस एनर्जी और धनु राशि भी बहुत ज्यादा मिली है, और कहीं ना कहीं मुझे कैंसर राशि मिली है और पाइसिस मैंने ऑलरेडी बोली, राइट, और टॉरस राशि, वृषभ राशि, ओके। सो जहां तक मैं देख रही हूं आप लोगों की लाइफ में किसी तरीके के चेंजेस देखे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंसेस और कुछ बदलाव आते हुए नजर आ रहे हैं। ये बदलाव कहीं ना कहीं आप लाते हुए अपनी लाइफ में नजर आ रहे हैं किसी तरीके की, या तो पढ़ाई कर रहे हैं जिससे आपकी लाइफ में बदलाव आ जाए, या तो इस रिलेशनशिप में आप क्या बेहतर कर सकते हैं उसके बारे में आपके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप चीजों को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉब्लम कहाँ थी, कैसे हुई, या हो सकता है कि आप पुरानी मेमोरीज में बहुत ज्यादा चले गए हैं, अपने पार्टनर के साथ बिताए हुए वक्त को याद बहुत करने लगे हैं, सडनली आपको वो ज्यादा स्ट्राइक करने लगे हैं या करने लगी है। लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं जिनको आप याद कर रहे हैं, सडनली उनको लेकर आप बहुत ज्यादा एनालिसिस के मोड में चले गए हैं। लाइक पुरानी पुरानी छोटी छोटी बातें, उनकी गलतियां, उनकी अच्छाइयां, सब चीजें आप जो है कहीं ना कहीं अपने दिमाग में रिकलेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं इस समय। या तो आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं जिसके नॉलेज आप करते हुए या एक अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं, या आप कोई स्टडीज करते हुए नजर आ रहे हैं, किसी पढ़ाई में या किसी काम में आप जो है अपने आप को इन्वॉल्व करके चीजों को बेहतर करते नजर आ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ मुझे यहाँ स्नीकी बिहेवियर दिखाई दे रहा है। अब ये बिहेवियर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं फियर ऑफ लॉस से गुजर रहे हैं, आपको डर लग रहा है कि रिलेशनशिप शायद कहीं खत्म ना हो जाए, और साथ ही साथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर को पिछले कुछ टाइम से कुछ ज्यादा स्टॉक कर रहे हो, या तो उनको या तो थर्ड पार्टी को, किसी तरीके से स्टॉकिंग एनर्जी है, या जरूरत से ज्यादा आप रीडिंग्स देख रहे हो, रीडिंग्स कुछ ज्यादा देख रहे हो। लाइक कहीं ना कहीं आप उनको लेकर डेस्परेट हो, ऐसा लग रहा है कि उनके बारे में जानने को आप कहीं ना कहीं उत्सुक हो कि अभी तक आए नहीं, या चीजें बेहतर क्यों नहीं हुई, आखिर वो चीजें कब बेटर करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में किसी तरीके के बैलेंस का या किसी तरीके की ऑफर का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपनी लाइफ में पिछले कुछ टाइम से बहुत ज्यादा लाइक एक पेनफुल एनर्जी से गुजर रहे हैं। ये एक ऐसा पेन है जिसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते वर्ड्स में, एक तरीके का काइंड ऑफ अटैचमेंट, एक अजीब सा एडिक्शन आपके पार्टनर के प्रति आपको फील होता है। एक कभी कभी आप थॉट्स में चले जाते हैं और ये सोचते हैं कि कहीं आप कार्मिक जर्नी में तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका पार्टनर जो है वो कार्मिक है, इतना पेन दे रहा है, इतनी तकलीफ दे रहा है। कभी कभी आप बहुत ज्यादा क्यूरियस भी हो जाते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर जानने के लिए, बट मोस्टली आप जानना चाहते हैं कि वो आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, मे बी आप उनका कोई फोटो देखना चाहते हैं, या मे बी आप उनकी तरफ से कोई एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कुछ ऐसा करें जिससे आप उनको देख सके। क्योंकि बेसिकली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है कहीं ना कहीं उनके बारे में जानने में बहुत उत्सुक है, कुछ ना कुछ उनका लाइक कुछ देखना चाहते हैं, डीपी वगैरह, मे बी स्टेटस, मे बी समथिंग, मे बी हिज फोटोज या हर फोटो, कुछ ऐसी एनर्जी जिसमें आप थोड़े से परेशान हैं और ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत लंबे समय से ना आपके पार्टनर को सुना है ना देखा है, और आप तरस रहे हैं उनको देखने के लिए। कहीं ना कहीं उनको लेकर आप बहुत ज्यादा, इसी वजह से चांसेस है कि या तो आप उनके कोई ओल्ड फोटोज या वीडियोज वगैरह रिकलेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपको
इन दिनों पास्ट लाइफ की कुछ झलकियां कुछ जरूरत से ज्यादा दिखाई दे रही है, या तो आपके सामने कुछ ऐसी ऐसी चीजें घटित होती हैं जो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है आपकी, या आपके सामने बार बार कोई सपना आता है या कोई साइन आता है जो आपको पास्ट लाइफ से कनेक्ट कर रहा है। ये डॉट्स आपको थोड़े से अचानक से रेस्टलेस फील कराते हैं और आपको लगता है कि पता नहीं क्यों ये सब चीजें आपको दिख रही हैं या ये सब चीजें आपको महसूस हो रही है, जैसे जरूरत से ज्यादा या तो फेदर्स दिख रहे हैं, जरूरत से ज्यादा या तो आपको जो है लाइक किसी ना किसी तरीके के साइंस जो आपको बहुत इंपेशेंट और कंफ्यूज कर रहे हैं कि आखिर ये चीजें क्यों हो रही है या इसका क्या पर्पस है। आप कहीं ना कहीं मूव ऑन करने की ट्राई तो कर रहे हो बट प्रॉपर तरीके से मूव ऑन नहीं कर पाए हो। ऐसे लग रहा है इन साइंस के वजह से या इन मैसेजेस की डिवाइन मैसेजेस की वजह से आप कंटिन्यू जो है उनके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हो। आप पिछले कुछ टाइम से इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा टॉक्सिक फील कर रहे हो। आप इस रिलेशनशिप से बहुत ही बेसब्री से निकल जाना चाहते हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। आप इस रिलेशनशिप में अब नहीं रहना चाहते बिकॉज ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत पेनफुल रहा है और आपके पार्टनर ने आपको बहुत डिसरिस्पेक्ट किया है, बहुत हर्ट किया है, बहुत तकलीफ पहुंचाई है, बहुत चोट पहुंचाई है और इसी वजह से आप इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं। आप उनको मतलब मन से गालियां देना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं बट आपका दिल इतना प्यार करता है उनसे कि आप ना उनको गालियां दे पा रहे हैं, ना आप उनसे दूर हो जा पा रहे हैं, ना आप उनको लेकर कुछ टॉक्सिक फील कर पा रहे हैं। आप ना चाहते हुए भी उनसे प्यार करने पर मजबूर हो जाते हैं और बार बार उनकी अच्छाइयों पर ज्यादा फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि उनकी गलतियों को भी आप इस वक्त इतना बड़ा नहीं मान पा रहे, लाइक आप उनको माफ़ करने के लिए रेडी हैं, आप बस उनका अप्रोच या अपना उनका उनकी तरफ से एक कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप सब कुछ भूलने के लिए तैयार हैं, ऐसी एनर्जी है। लाइक बेसिकली आप चाहकर भी ना इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में ऐसे फंस गए कि निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक तरह से आपके रिलेशनशिप में बहुत टॉक्सिक एनर्जी आ चुकी है आपके पार्टनर के साथ और आप चाहकर भी इस एनर्जी में ऐसे बुरी तरह से स्टक हो गए हैं जिसकी वजह से आप बहुत डिप्रेस्ड होते हैं या चुप चुप हो गए हैं, ज़्यादा बात करना आपको अच्छा नहीं लगता, लोगों से कनेक्ट करना नहीं लगता या लोगों के कॉल्स उठाना तक भी आज की डेट में आपको अच्छा नहीं लगता। आप जितना हो सके लोगों से कम्युनिकेशन अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, ऐसा लगता है कि ज्यादा ही मतलब एक तरीके की शांत वाली एनर्जी आपके अंदर ज्यादा आ गई है। इस टाइम पे आप अपने माइंड पे ज्यादा काम करते हुए नजर आ रहे हैं, मे बी आप बहुत ज्यादा मेडिटेशन कर रहे हैं या मे बी आप बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही कहा इस समय आपका जुपिटर काफी स्ट्रांग हो सकता है, इसलिए लग रहा है कि आप हर चीज को ना बहुत ज्यादा समझने का एनालाइज करने का प्रयास कर रहे हो। इस वक्त आपको पेन भी हो रहा है ना तो भी आप लोगों को दिखा नहीं रहे हो कि आप तकलीफ में हो। बेसिकली आप किसी से ज्यादा शेयर करते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे अपनी प्रॉब्लम्स को, आप अपने अंदर तक ही रख रहे हो और अपने पेन को अपनी तकलीफों को जितना हो सके उतना आप अकेले रहते हो, अकेले में ही ज्यादा खोए खोए से रहते हो, अपनी दुनिया में खोए रहते हो। ज्यादा लोगों से बात करने में इरिटेशन आता है आपको या आप अपने दोस्तों से या लोगों से थोड़ा सा दूर से भाग रहे हो, ऐसा लग रहा है थोड़े से डिस्कनेक्ट हो रहे हो आप सबसे। लाइक ये वो टाइम है जिसमें ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप के अंदर ही झांककर बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढते नजर आ रहे हो। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका माइंड बहुत स्ट्रांग हो रहा है, कहीं ना कहीं आपका दिमाग बहुत स्ट्रांग हो रहा है। जिस तरीके का सब्र आपके अंदर आया है, जिस लेवल का आप दिमाग चला रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप किसी तरीके की बहुत स्ट्रांग वाइब्रेशन में आ चुके हो, बहुत स्ट्रांग एक एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए हो, जिसकी वजह से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप खुद होकर उनको अप्रोच नहीं कर रहे, खुद होकर आप उनको ट्राई नहीं कर रहे बात करने का। आपने कहीं ना कहीं खुद को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है और आप वेट कर रहे हैं कि वो आपके लिए कोई एक्शन ले, आप वेट कर रहे हैं कि वो आपके लिए कोई मोमेंट ले। अगर वो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने के लिए रेडी हो चुके हैं। आप कहीं ना कहीं ऐसे है कि अगर वो नहीं आएंगे तो आप भी कोई अप्रोच नहीं करने वाले इस बार, ऐसी इस तरीके की एनर्जी है। लेट्स सी आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जी है। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में बताएं, उस व्यक्ति की ट्रू फीलिंग्स इनके लिए क्या है। उस व्यक्ति की करंट ट्रू फीलिंग्स इनके लिए क्या है। किंग ऑफ फोर्सेस, लाइट ऑफ द वर्ल्ड, टू ऑफ स्क्रॉल्स, आर्कएंजल माइकल, वन ऑफ रोजेस, टू ऑफ रोजेस, Divine Physician, Hilarion, Birth, Ark of Covenant, Lastly, Five of Scrolls. आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेशन अवॉइड कर रहे हैं या कम्युनिकेशन अवॉइड करने का रीजन ऐसा दिखाई दे रहा है ये कोई आर्ग्यूमेंट, कोई डिस्टर्बेंस या कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं चाहते,
ये व्यक्ति आपको सबोटाज करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपसे बात नहीं कर रहे और कम्युनिकेशन अवॉइड कर रहे हैं बहुत स्ट्रांगली। ये जैसे कि एक्सेप्टेंस नहीं देना चाहते, इनका कहीं ना कहीं ऐसी ऑरा दिख रही है जैसे कि ये व्यक्ति ना काफी स्ट्रांगली अपनी एनर्जीज को डिनाई कर रहे हैं, ये अपने प्यार को डिनाई कर रहे हैं, झुटला रहे हैं, ये उस चीज को देखने की कोशिश कर रहे हैं जो इनको आंखों से दिख रही है, पर जो इनको महसूस हो रही है ना उसको लेकर इनके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है। ये प्यार को मतलब एक्सेप्ट करने से इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है प्यार से दूर भाग रहे हैं, सोच रहे हैं कि नहीं ये किसी के लिए इतना मतलब नहीं सोच सकते, ये किसी के प्रति जो ये लव फील कर रहे हैं उसको लेकर भी ऐसा सोच रहे हैं कि अच्छा ये शायद अटैचमेंट है इसलिए इस अटैचमेंट से दूर रहा जा सकता है अगर आपसे बातचीत कम कर ली जाए। ये बेसिकली आपको लेकर ऐसे है कि कम्युनिकेशन अवॉइड करना, आपको सबोटाज करना, आपसे दूर रहना, वो वाली एनर्जी है। ये बेसिकली कम्युनिकेशन और आर्ग्यूमेंट अवॉइड कर रहे हैं, ये बिना वजह के इश्यूज में नहीं पड़ना चाहते, आपके पार्टनर बिना वजह के झंझट इश्यूज प्रॉब्लम्स में नहीं पड़ना चाहते और आपके साथ जुड़ने से इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर भाग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं लेकिन इस अवेकनिंग में उनकी तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं है, जैसे लग रहा है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं इस फैक्ट को कि वो आपसे प्यार करते हैं, उस इस फैक्ट से वो मुंह मोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो अपने प्यार को झुटला रहे हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि वो आपसे प्यार करते हैं। बेसिकली लड़का लड़की जो भी है ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। इनके एनर्जीज में मैं देख पा रही हूँ लिब्रा एक्यूरस जेमिनी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एरिस लियो सजिटेरियस, ठीक है, स्कॉर्पियो एनर्जी भी है, ओके मैंने ऑलरेडी शायद बोला। सो बेसिकली मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है बहुत स्ट्रांग डिनायल पे हैं, बहुत स्ट्रांग, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपसे दूर भागने के लिए अपना डाइवर्शन बदल रहे हैं, यानी कि अपना रास्ता बदल रहे हैं, आपसे दूर रहने के लिए वो अपना रास्ता बदलते हुए नजर आ रहे हैं, किसी ना किसी तरीके की ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे ये आपसे बिजी, आपसे दूर रहकर बिजी रह सके, अपना माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं है, जितना भी आपसे दूर रह रहे हैं अंदर से हैप्पी नहीं है, संतुष्ट नहीं है, एक हैप्पीनेस की फीलिंग नहीं है, हर चीज़ जैसे कि बहुत सैड सी है, कुछ भी लाइफ में ठीक नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, अच्छा कुछ भी नहीं लग रहा है इनको अंदर से ना, जैसे एक अजीब सी डिस्टर्बेंस है, एक अजीब सी खोए बोलते हैं ना किसी के खो जाने का दर्द है, एक अजीब सी पेन है, तकलीफ है, लेकिन जब बात आपकी आ रही है तो ऐसा लग रहा है कि ये सब फील होते हुए भी, प्यार महसूस होने के बाद भी ये व्यक्ति जो है बहुत स्ट्रांगली जो है इस कनेक्शन से दूर भाग रहे हैं। देर आर स्ट्रांग चांसेस कि आपके पार्टनर किसी कार्मिक बच्चे से डील कर रहे हैं, कार्मिक बच्चे मतलब कार्मिक्स के बच्चे, यानी कि ये किसी टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे हैं, हो सकता है आपके पार्टनर कोई ऐसा व्यक्ति है, यानी कि या तो ये मैरिड है या तो इनके और आपके बीच में पेरेंट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट या बच्चों का कोई प्रॉब्लम है, इशू है, जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं वो इमोशनली इनको लाइक किसी बच्चे के थ्रू, या तो ये उनके बच्चे हैं या तो वो कोई बच्चे के थ्रू इनको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं और ये एक कार्मिक इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस वजह से आपसे दूर डिस्कनेक्ट होकर आपसे दूर भाग रहे हैं, इस वजह से ये आपको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, इनको लग रहा है वो राइट नहीं है आपकी तरफ आना, वो राइट नहीं है सोसाइटी के हिसाब से या लोगों की जो सेल्फ इमेज बनी हुई है ये उसमें ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ये उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं जो इनके अंदर सोल में है, ये सोल को देख नहीं रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि इमोशनल इमोशंस के वजह से ये व्यक्ति ना आपको एक्सेप्टेंस नहीं दे पा रहे हैं, ये इनका कार्मिक इवेंट है और ये कार्मिक्स के बच्चे हैं, बच्चे कार्मिक नहीं है, कार्मिक्स के बच्चे हैं, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो इनके जीवन में कार्मिक है, ये या तो उनके बच्चे हैं जिनकी वजह से ये एक बाउंड में फंस गए हैं और आपको एक्सेप्टेंस नहीं दे पा रहे हैं, और या तो ये व्यक्ति कार्मिक्स यानी कि वो लोग जो कर्मा के अनुसार फल देते हैं, वो लोग जो कार्मिक्स यानी कि अगर जो लोग नए हैं जिनको नहीं मालूम कार्मिक क्या होता है मैं उनको समझा देती हूँ, कार्मिक यानी कि वो होता है जो लोग एक कार्मिक जर्नी होती है जिसमें ना कर्मा के अनुसार हमारे साथ ना लाइफ में इवेंट होते हैं। अब मान के चलो अगर आपका पार्टनर कार्मिक है तो वो आपको बहुत अब्यूज़ करेगा, मारेगा, गाली देगा, तकलीफ देगा, पेन देगा, खून के आंसू रुलाएगा या रुलाएगी, उसे कार्मिक कहते हैं, या गलत केसेस कर देना जैसे दहेज के केस कर देना, आपको प्रताड़ित कर देना मेंटली फिजिकली, इन ये कार्मिक के साइन होते हैं, टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, एग्जॉशन, या जो कोई ऐसा इंसान जो आपके पास सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए है, आपसे पैसे लूटने की कोशिश कर रहा है, आपको इमोशनली ड्रेन कर रहा है, आपको कुछ ना कुछ आपसे छीनने की कोशिश में रहता है, कोई तरीके की लालच है, उस व्यक्ति को कार्मिक कहा जाता है। तो इनकी लाइफ में कोई कार्मिक है जिसके वजह से ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो इनको मतलब एक्सेप्टेंस नहीं दे पा रहा है, वो सिर्फ मतलब के लिए इनके साथ, तो उस व्यक्ति के या तो बच्चे हैं जिसके वजह से ये व्यक्ति इमोशनली बाउंडेड है, या वो खुद एक कार्मिक है जिनके मतलब, या इनके फैमिली वाले कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही नार्सिसिस्ट टाइप के हैं, जो नहीं चाहते कि आप और ये एक हो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर एक ऐसी इमेज बन रही है जिसमें वो जो है कार्मिक्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही है, आपके पार्टनर वहां पर जो देख रहे हैं उनको लग रहा है वो राइट है और आपकी तरफ आना उन्हें कहीं ना कहीं
ऐसा लग रहा है कि सर दर्द हो जाएगा या स्ट्रेस हो जाएगा, इस इट्स बेटर कि उधर से दूर रहा जाए। यहाँ पे वन ऑफ रोजेस की एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है, यानी कि लव जरूर चाहिए इनको इस रिलेशनशिप में, ये भी स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ये प्यार चाहते हैं। इनका अंदर से सबकॉन्शियस माइंड बार बार ये रिप्रेजेंट करता है कि ये आपसे प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं इनका सबकॉन्शियस माइंड आपसे दूर नहीं जा पा रहा है, यानी कि इनका सोल, इनकी आत्मा, सबकॉन्शियस माइंड मतलब इनकी आत्मा, इनकी आत्मा जो है वो आपसे दूर नहीं जा पा रही, इनकी आत्मा आपसे अभी भी जुड़ी हुई है, इनकी आत्मा अब भी आपको याद करती है, इनकी आत्मा अभी भी आपको यहीं यहाँ कहाँ ढूंढ रही है, कहीं ना कहीं बार बार आपको ढूंढ रही है, खोज रही है कि आप क्यों यहाँ नहीं हो, वो उनको काफी रेस्टलेस फील करा रही है। लेकिन सामने इन पर्सन ये व्यक्ति ऐसे प्रेटेंड कर रहे हैं जैसे ये व्यक्ति आपसे दूर रहना चाहते हैं, आपकी आर्ग्यूमेंट से, आपके इश्यूज से, ताकि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना आए। यहाँ पर टू ऑफ रोजेस की एनर्जी है, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, डेस्टाइन एनर्जी है, क्योंकि इसके ठीक बाजू में आप देखो डिवाइन फिजिशियन की एनर्जी रिप्रेजेंट हुई है, यानी कि ये डिवाइनली गाइडेड एक एनर्जी है जो आप लोग दोनों के बीच में इन्वॉल्व है, और डिवाइन एनर्जीज ही चाहती हैं कि ये व्यक्ति जो है आपके साथ कनेक्ट हो, जिसकी वजह से ऐसा कोई ना कोई सिचुएशन या पैटर्न बनेगा जिससे आप लोग दोनों वापस से यूनियन में आ जाए। बट यूनियन सिर्फ तब पॉसिबल है जब आप प्रॉपर इक्वल एनर्जी में हैं, यूनियन यानी कि आप लोग एक तब हो पाएंगे जब आप लोग दोनों एक प्रॉपर एनर्जी में है। अगर आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं है और पुरानी बातों को याद रखकर बैठे हैं तो आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो आप उनसे थोड़े दिन बात करेंगे, थोड़े दिन बाद उनको अपनी जिंदगी से निकाल देंगे, ऐसी एनर्जी बन जाती है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ टू ऑफ रोजेस की एनर्जी, ये व्यक्ति आपके साथ ही रहना चाहते हैं, स्टेबल रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, इनकी आत्मा डेफिनेटली छटपटा रही है आपके लिए, लेकिन इस चीज को ये पर्सनली एक्सेप्टेंस नहीं देना चाहते, ये आपसे दूर रहना चाहते हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है हिलेरियन की एनर्जी की, और साथ में यहाँ पर बर्थ ओके और कन्वीनियंट ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप में ये कहीं ना कहीं अंदर से, इस रिलेशनशिप में नहीं कहूंगी मैं, कहूंगी ओवरऑल लाइफ में ये अंदर से डेड पोजीशन पे है। अंदर से ना ये धीरे धीरे जैसे कि अंदर से डैमेज हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं मेंटली, अंदर से एग्जॉस्टेड है, अपनी आत्मा से तकलीफ में है, पेन में है। और आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे कहीं ना कहीं आपके पूर्वज भी शामिल दिखाई दे रहे हैं, पूर्वजों का कोई पैटर्न है जिसके वजह से आप लोगों की लाइफ में कुछ कर्मा कंप्लीट करना अधूरा रह गया है, उस कर्मा को कंप्लीट करने के पर्पज से ही आप लोग दोनों अलग हुए हो, जब वो कर्मा का प्रोसीजर कंप्लीट होगा तभी आप लोग एक होंगे। सो बेसिकली आप लोगों के जीवन में जो घटित हो रहा है एक टेम्प्रेरी फेज है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको आपके जो पूर्वज हैं और इनके जो पूर्वज हैं जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो इनको रिमाइंडर देते हैं आपके बारे में, बार बार इनको आपका ध्यान दिलाने की कोशिश करते हैं, बार बार एहसास करवाते हैं, या जैसे सोए रहते हैं अचानक से इनको आवाज़ आती है जैसे कि आप इनको बुला रहे हैं लिटरली। अगर आप लोगों ने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया तो ट्रस्ट मी, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो एक ना एक दिन ऐसा सिचुएशन, एक ना एक दिन ऐसा दिन जरूर आता है जब आप जब जो सोए हुए हो या कुछ काम कर रहे हो और अचानक से आपको आवाज़ आती है, ऐसा लगता है जैसे आपके पार्टनर आपको बुला रहे हैं, आप पीछे मुड़कर देखते हैं या आप नींद से जाकर देखते हैं तो आपको नोटिस होता है कि वो है ही नहीं। और ये लिटरली होता है उस वक्त ही, और जब मैं खुद स्पिरिचुअल जर्नी में थी ड्यूरिंग दैट टाइम सेम चीज़ हुई थी, मेरा पार्टनर जिस टाइम पे उठा था मतलब करीबन 3:15 बजे के अप्रॉक्स, 4:15 बजे के अप्रॉक्स वो उठे थे, और वो उठकर मुझे याद कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्टेड थे, बहुत ज़्यादा वो मुझे मिस कर रहे थे, ही वॉज गेटिंग इमोशनल ड्यूरिंग दैट टाइम। ही मैं भी उठी थी और मुझे एकदम से रियलाइज़ हुआ था जैसे कि मुझे उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है, आई वॉज लिटरली फीलिंग दैट कि मुझे मतलब मैं ऐसा लगा जैसे उन्होंने मुझे उठाया नींद से आकर। तो मैं उठ के बैठी और मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हुआ। आफ्टर वन डे आफ्टर दैट मतलब मैं खुद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थी, एक दिन के बाद जो दूसरा दिन का गैप आया मतलब आया उस टाइम पर उन्होंने आखिर मुझे कॉन्टैक्ट किया, नहीं कंट्रोल कर पाए, और उन्होंने मुझे ये बात बताई बातों बातों में, एकदम से पहले से ही नहीं बताया, बातों बातों में उन्होंने मेरे को पूछा कि आप ठीक हो, तो मैंने बोला हाँ हम आप करके ही बात करते हैं, हम कभी भी तू तड़ाक करके बात नहीं करते, तो आप ठीक हो, तो मैंने बोला हाँ मैं तो ठीक हूँ, तो बोला पता नहीं क्यों मुझे एकदम से अजीब सी रेस्टलेसनेस हुई और मुझे ऐसा लगने लगा जैसे आप ठीक नहीं हो, तो मैंने बोला नहीं मैं एकदम ठीक हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि उस दिन ना मैं फलाना इस टाइम पे उठा, तो मैं शॉक्ड हो गई और मैंने उनसे कुछ बोला नहीं, आई वॉज शॉक्ड बिकॉज उसी टाइम फ्रेम पे एग्जैक्टली मुझे एहसास हुआ था जैसे मुझे बुला रहे और मैं नींद से उठकर बैठी थी। सो ड्यूरिंग दैट टाइम मैं खुद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में से गुजर रही थी, बट आई वॉज वेरी शॉक्ड, पर मैंने उनसे उनको बताया नहीं कि लुक ऐसा मेरे साथ हुआ, बिकॉज आई न्यू समवेयर कि वो उस चीज़ को एज ए जोक लेंगे या उस चीज़ को एक्सेप्टेंस नहीं देंगे, उन्हें लगेगा कि मैं बड़ा चढ़ाकर बोल रही हूँ, तो मैंने इस चीज़ को उनसे कन्फेस नहीं किया, मैंने अपने अंदर ही रखा और मैंने बोला नहीं नहीं मैं ठीक हूँ एकदम, कोई स्ट्रेस नहीं है। सो दिस इज समथिंग हैपन्ड, अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो समवेयर ये चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं, यही एक बॉन्ड है स्पिरिचुअल जर्नी का, एक कनेक्शन का, सॉरी समवेयर समवन इज ऑन डुओ एक मिनट हाँ। सो ये एक चीज़ होती है, लगभग मैंने जितने केसेस देखे हैं
बट इफ आपका आपका कनेक्शन अगर जो है एक फेक स्पिरिचुअल कनेक्शन से गुजर रहा है जो स्पिरिचुअल नहीं है, तो आपको जो पेन हो रहा है वो उनको एहसास नहीं होगा, उनको जो पेन हो रहा है वो आपको फील नहीं होगा. लाइक समवेयर दोनों का इक्वल कनेक्शन होता है. अगर आपको लगता है कि नहीं सिर्फ आप ही फील करते हो, तो ऐसा नहीं होता है. आप लोग दोनों ही इक्वली एक दूसरे के लिए फील करते हो. समवेयर आप दोनों को ना इक्वालिटी के साथ वो चीज़ें फील होती हैं कि नहीं यार समथिंग इज़ देयर और मुझे कुछ फीलिंग आ रही है, समथिंग इज़ डेफिनेटली देयर, जिससे मुझे उस इंसान का कनेक्शन और बॉन्ड फील होता है. आपको कहीं ना कहीं से पता चल जाता है. सो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं. ओके सो उसके वजह से मैंने स्पिरिचुअल जर्नी का जो वर्कशॉप वगैरह जो मैंने प्लान किया है उसे ज्वाइन कीजिएगा. मैं कभी भी उसका अनाउंसमेंट कर सकती हूँ. आप रेडी रहिए. उसमें आपको काफ़ी सारे मिस्टीरियस चीज़ें पता चलेंगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि शिट यार ये भी होता है क्या, मैंने आइडिया नहीं था कि ये इतना स्ट्रांगेस्ट कनेक्शन होता है. सो आपको पता चल जाता है कि पूरे प्रोसेस के दौरान कि सच में आप उस कनेक्शन में हैं या नहीं है. ठीक है. और एक स्पिरिचुअल जर्नी की कनेक्शन की बात यही है कि आप लोग एक दूसरे के लिए कुछ भी हो जाए रिस्पेक्ट कम नहीं होने देते, यानी कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा. तो समवेयर होता है बस लव का रियलाइजेशन होने में थोड़ा टाइम आता है. तो समवेयर आपके पार्टनर उसी एक्सेप्टेंस को डिनाइल में लेते हुए नजर आ रहे हैं. ऐसा लग रहा है वो प्यार के एक्सेप्टेंस को लेकर डिनाई कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये मेरा प्यार नहीं हो सकता, ये मेरे जो कनेक्शन हैं ये नहीं हो सकते, या ये जो है मेरा लव नहीं है, ट्रू लव नहीं है, इट इज़ जस्ट कि मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ. तो वो कई एनर्जी आपके पार्टनर में आ रही है इस वक्त कि वो सोच रहे हैं कि मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज भी, आपके डिवाइन गाइडेंस भी, आपके एंजल्स भी, सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपके पार्टनर जो है वो आपको दिमाग में बनाए रखे, वो आपको छोड़े नहीं, आपको जाने नहीं दे अपनी लाइफ से. समवेयर यहाँ पर इस रिलेशनशिप में दोबारा एक नए जन्म का एहसास आगाज हो सकता है आने वाले समय में. लेकिन इस वक्त ये जहाँ पे भी हैं, जिनके भी साथ है, ये वहाँ पर फ्रेश स्टार्ट करते नजर आ रहे हैं. वहाँ पर ये उनके साथ बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है वो राइट है और उसमें उनकी गलती नहीं है. बिकॉज अकॉर्डिंग टू सोसाइटी वो राइट होता है, बट मोस्टली जब जो लोग डिवाइन एनर्जीज में आते हैं वो धीरे धीरे उस कनेक्शन और बॉन्ड को समझ पाते हैं. सो मोस्टली मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर जो हैं लोगों से जरूर ये बातें कहते हैं. आर्क ऑफ कन्वेनियंट की एनर्जी आती है जहां पर ये पता चल रहा है कि आपके पार्टनर समवेयर आपके बारे में लोगों से बात जरूर कर रहे हैं, और ये लोग जो है इनके दोस्त हो सकते हैं, जिसके बारे में, जिनसे आपके बारे में बातचीत होती है कहीं ना कहीं कि आप क्या कर रहे हो या आपको ये मिस कर रहे हैं, या इनके दोस्त जो है वो इनको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है या मिस कर रही है. इनके दोस्तों को पता चल रहा है कि वो एहसास आ रहा है. तो समवेयर डेफिनेटली आपसे आपके बारे में इन दिनों भी बातचीत हो रही है. बट जैसे कि मैंने आपको कहा, ये व्यक्ति आपसे दूर भागने का प्रयास कर रहे हैं और आपको पेशेंस रखना पड़ेगा इस कनेक्शन के एक होने के लिए. ठीक है, इस रिलेशनशिप के एक होने के लिए. ये एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है जिसमें देर सवेर एक होना ही होता है. ठीक है. सो यदि आप लोगों की रीडिंग, अगर आपको रीडिंग पसंद आई, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें. और उसके अलावा आपको अन्य कोई जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के ठीक नीचे मिल जाएगा. अभी के लिए इतना ही. बाय, टेक केयर. ओम साईं राम.